जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट बिटवीन कट और कॉपी, मतलब कट और कॉपी के अंदर क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। काफी लोगों को कट का यूज नहीं पता, कॉपी का यूज तो सबको ही पता होता है कि कॉपी करने के लिए, लेकिन कट का यूज 90% लोगों को नहीं पता होता है। कट का यूज मोस्टली सब कहते हैं कि क्या है, कट करने के लिए होता है, लेकिन कट का यूज किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे मेन कट का यूज बताऊंगा कि कट का यूज क्या होता है, हम क्यों कट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको कॉपी का यूज बताऊंगा कि कॉपी का यूज क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट एंड कॉपी दोनों के बीच में डिफरेंट, दोनों के बीच अंतर बताऊंगा। मैं किशोर वंशी, वेलकम टू माई चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और उस टेक्स्ट के ऊपर आपको कट और कॉपी का यूजेस करके दिखाऊंगा कि कट का क्या यूज होता है और कॉपी का क्या यूज होता है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली एक टेक्स्ट लिखता हूँ, इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, मतलब यहां से मैंने एक पैराग्राफ लिखा। सबसे पहले हम बताते हैं कि कट की बात करें तो कट आपको ऑप्शन मिलेगा कहां पर, कट जो बात करें तो आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट एडिटर, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कट और कॉपी और पेस्ट का यूजेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट, तो देखिए कट का यूज होता क्या है। अभी आप देखेंगे तो कट का ऑप्शन आपका हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वर्क ही नहीं कर रहा है। तो कट को वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जिस टेक्स्ट को आपको कट करना है आप पहले उस टेक्स्ट को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या है, आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला जिस टेक्स्ट को कट करना है, मैं आपके लिए बोला हूं कि आप जिस टेक्स्ट को कट करना है तो आप उसे पहले सिलेक्ट करिए, लेकिन नहीं। कट का यूज होता क्या है, देखिए आप कभी भी कोई ऑप्शन यूज कर रहे हैं, चाहे कट चाहे कॉपी चाहे एनी वर्ड, कोई भी ऑप्शन आप यूज करें तो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं, मतलब एक्टिव हो चुके हैं। अब आप जैसे ही यहाँ पे कट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट यहां से कट हो चुका है। आप कहेंगे सर ये तो कट हो गया, लेकिन नहीं, ये कट नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, सिर्फ रिमूव हुआ है वहां से, ठीक है। कट का मतलब क्या हो गया, कट जाना, ठीक है। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूं उसको, कट का मतलब होता है कट जाना, उसे कटने के बाद में उसको वापस फिर कहीं लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ये क्या हो रहा है, सिर्फ रिमूव हो रहा है। अब रिमूव का यूज क्या होता है, देखिए कट का बात करूं तो कट का जो यूज होता है, कट का यूज होता है एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, या बोले तो उसकी पोजीशन चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। तो कट का यूज कभी भी किसी चीज को कट करने के लिए नहीं होता है, कट का यूज होता है एक टेक्स्ट को एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना, या बोले तो उसकी पोजीशन चेंज करना, या आप कह सकते हो शिफ्ट करना, ठीक है। आपने मान चलिए कि ये पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ लिखने के बाद आप किसी को चेक कराते हो, सर ये देखिए आपने जो मेरा पैराग्राफ लिखा है ये क्या सही है। अब वो कहते हैं कि भाई आपने ये पैराग्राफ जो लिखा है, जो एप्लीकेशन लिखा है, आपने बिल्कुल ओके लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती कर दी। आप कहते हैं क्या सर, उन्होंने बोला कि आपने ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है, जो फर्स्ट में लिखा है, ये पैराग्राफ सबसे टॉप पर नहीं होना चाहिए था, यही आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है, ये पैराग्राफ क्या होना चाहिए, ये तो सेकंड नंबर पर होना चाहिए, ये पैराग्राफ सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पर हम ऐसा तो करेंगे नहीं, इसको कट करके फिर से लिखेंगे, ठीक है, इसको हम कट करके फिर से नहीं लिखेंगे। इसमें हम कट का यूज जरूर करेंगे, लेकिन कट करने के बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्या करेंगे, कट। जैसे हमने यहां से कट किया तो क्या वो वहां से टेक्स्ट रिमूव हो गया, क्या हो गया, रिमूव। अब उन्होंने कहां पर रखने के लिए बोला, कहां पर उस टेक्स्ट को लिखने के लिए बोला, आपको वहां पर क्लिक करना होगा। जैसे मुझे टेक्स्ट कहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए, वहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप क्या कर दीजिए, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो वो टेक्स्ट आपका क्या है, वहां पर शिफ्ट हो गया। अब आप ये देखेंगे तो ये पैरा पहले क्या था, सबसे टॉप पे था, सबसे ऊपर था, लेकिन ये पैरा आपका आ गया सबसे नीचे आ गया, मतलब क्या हुआ, इस टेक्स्ट को हमने, इस पैराग्राफ को क्या कर दिया,
मूव कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये बोले तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सबसे टॉप से हमने क्या लिया, सबसे बॉटम पे लिया, सबसे ऊपर से सबसे नीचे लिया है। तो कहने का मतलब होता है कि कट का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को क्या करना, मूव करना, उसकी पोजीशन चेंज करना, या बोले तो उसको शिफ्ट कराना। कट का यूज कभी किसी चीज को कट करने के लिए नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपी, तो कॉपी का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट की मल्टीपल्स कॉपी करना, या कह सकते हैं उस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, सेम आपसे कोई कहता है कि आपने ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही सेम टेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, सबसे नीचे भी चाहिए, ठीक है, या सबसे ऊपर ये वाला टेक्स्ट भी चाहिए, तो अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं, इस टेक्स्ट को फिर से टाइप करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में ये टेक्स्ट आपको कहां पर चाहिए, आप वहां पर क्लिक करिए, उसके बाद में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप चाहे कट करें चाहे कॉपी करें, ये आपको वन टाइम यूज होता है। आप कट करेंगे, कट के बाद में भी आप जितनी टाइम पेस्ट करेंगे उतनी मल्टी टाइम ये क्या होता रहेगा, पेस्ट होता रहेगा। सेम आप कॉपी करेंगे तो कॉपी आपने वन टाइम की, उसके बाद जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी टाइम में आपका क्या होता रहेगा, पेस्ट होता रहेगा, क्लियर। तो इस टाइप से आप कट, कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हो। देखिए कट की शॉर्टकट की बात करूं तो कट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर जहां पर भी आपको पेस्ट करना है आप वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे, ठीक है, अब वहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, तो क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। वैसे सेम कॉपी की बात करें तो जो कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस सी, आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट कॉपी होगा, और जहां पर भी आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे वहां पर आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से आप शॉर्टकट की के द्वारा भी कट, कॉपी, पेस्ट का यूजेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि कट का क्या यूज होता है, कॉपी का क्या यूज होता है, कट और कॉपी के अंदर क्या अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।